असलम स्टूडेंट स्टूडे हुई है गोइंग टू स्टडी अबाउट हुमेन आई इट्स अमंग वन ऑफ दी फाइव सेंसेस और इट्स अ रिसेप्टिव तो हुमन आई के बारे में uh, इसका हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन उसके पार्ट्स को जो है वो यहाँ पर डिटेल से देखते हैं ओके okay, आप यहाँ से देखें ये हमारे पास आई है ठीक है ये हमारे पास बाहर से देखें तो हमारे पास ये कनकेव स्ट्रक्चर बाहर आपको नज़र आएगा और इसके अंदर आपको ये जो कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारा आयरस होता है इट मींस कि तो ये जो आप कहते हैं ना कि आई का जो कलर होता है बेसिकली तो वो उसका आयरस होता है ठीक है जब भी आप किसी के आई के कलर की बात करते हो दैन दैट मीन्स कि आप उसके आयरस के बारे में बात कर रहे हो अब डिफरेंट आपको पता है कि इस दुनिया में सब लोगों की आइज़ का कलर जो है वो डिफरेंट है बेसिकली इस आयरस के अंदर एक पिगमेंट होता है और हर पिगमेंट आपको पता है कि डिफरेंट कलर की लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं अब ये वाला जो आर एस है ये बेसिकली ग्रीन कलर की लाइट को जो है रिफ़्लेक्ट करता है सो इस वजह से हर पर्सन की आई का जो कलर है वो डिफरेंट नज़र आता है क्योंकि जिस तरह का वो पिगमेंट रिफ़्लेक्ट करता है उसका उस तरह का उसका आई कलर होता है ये आप देखें ब्राउन कलर की आई नज़र आ रही है आपको बेसिकली ये आई ब्राउन क्यों है क्योंकि ये ब्राउन कलर की लाइट को रिफ़्लेक्ट करता है इसके अंदर आपको एक ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है और ये हर एक पर्सन की आई में होता है इसको आप प्यूपल बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं प्यूपल जो ब्लैक सॉट जो आप होल है या ब्लैक डॉट है ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से लाइट एंटर होती है ठीक है आयरस में जो लाइट जाती है वो रिफ़्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है जो प्यूपल में लाइट जाती है यानी जो इस एरिया में जा रही है वो बेसिकली आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है वो इससे अंदर जाती है और इसकी वजह से आप बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं ठीक है उसके अलावा आयरिस का एक फंक्शन है कि वो इस ये जो सेंटर है पीपल के साइज को कंट्रोल करता है फॉर एग्जांपल इस वक्त डे टाइम है और डे टाइम में रोशनी बहुत ज़्यादा है उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है रोशनी आपकी आइज़ में एंटर होती है अब अगर बहुत ज़्यादा लाइट एंटर होती है तो यहाँ पर हमारे पास आइज़ के जो सेल्स हैं बेसिकली उनको ये लाइट ज़्यादा होने की वजह से डैमेज कर सकती है तो डे टाइम में प्यूपल का साइज़ ऐसे छोटा हो जाता है ठीक है अब ये छोटा क्यों होता है सो so दैट कम लाइट की रेज अंदर एंटर हो और आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज ना हो लेकिन इवनिंग में या नाइट में जब रोशनी कम होती है ठीक है उस वक्त साइज़ का जो आयरस जो प्यपल का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और ये बेसिकली आयरस कंट्रोल करता है ये आयरस का फंक्शन है कि वो आपके पीपल का साइज स्मॉल या बिग करता है जब लाइट ज़्यादा अंदर रिक्वायर होती है तो वो बड़ा करवा देती है जब लाइट अंदर कम रिक्वायर होती है तो उसको स्मॉल करती है इट वर्क लाइक अ गार्ड जैसे गार्ड है कि जब गेट को कब ओपन करना है कब क्लोज करना है कितना करना है ये उसको कंट्रोल करता है ठीक है और ये विजन में भी हमारी हेल्प करती है ठीक है यानी कि आप अगर आप देखते हो टाइम आप जब सन लाइट में बैठे होते हैं तो आपके जो पीपल का साइज़ है वो आपको छोटा नज़र आता है जब आप थोड़ा मतलब डार्क में अंधेरे में अपनी आइस को देखो तो आपके पीपल का जो साइज़ है वो आपको छोटा नज़र आता है ठीक है ओके अब ये देखें ये ध्यान से देखें कि ये जो लाइट ग्रीन सा जो पार्ट है इसको हम आई कंसीडर करते हैं और ये जो हमारे पास कन्वेक्स शेप लेंस है इसको हम प्यूपल कंसीडर करेंगे और ये हमारे पास आई का लेंस है लेंस का फंक्शन क्या है कि ये इनकमिंग लाइट रेज को बेसिकली फोकस करता है यानी फोकस का, का काम करता है ये पीछे वाली जो जगह है जहाँ पर इमेज बनता है ठीक है और यहाँ पर आपके पास कॉर्निया है ये जो बाहर को बाहर का पोर्शन है जो बाहर को निकला हुआ है ठीक है अब जो लाइट रेज आपकी आइज पे पड़ती है वो बेसिकली कॉर्निया पे पड़ती है ठीक है इसमें ज़्यादातर फ्लूड होता है वाटर ठीक है और वो होते हैं तकरीबन कोई नाइन्टी नाइन परसेंट और पॉइंट वन परसेंट इसमें जो है बाकी चीज़ें वाइटामस वगैरह होते हैं इसको इस वजह से आप एक्वस ह्यूमर कहते हैं क्यों आप इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं बिकॉज इट्स मोस्टली पोर्शन इज वाटरी ठीक है और ये जो पूरा सिस्टम है यानी ये जो ये वाली स्पेस है सारी ये बेसिकली हमारी आइज़ का कन्वर्जिंग सिस्टम बनाती है और हमें नज़र आता है ठीक है क्योंकि कॉर्निया जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है ठीक है अब कॉर्निया से वाटर में वाटर से आगे प्यूपल में और आगे लेंस में और रिफ़्लेक्ट होकर पीछे जो उसकी स्क्रीन है वहाँ पे हम आपको चीज़ या फिल्म में नज़र आती है जो आप चीज़ बेसिकली देखते हो अब लेंस जो है ये भी एडजस्टमेंट का काम करता है किसके लिए लाइट रेस को लाइट रेस को फोकस करवाने में इसका काफ़ी रोल है और ये बैक पे ये पीछे वाली सरफेस पे जो है जिसको हम रेटिना बुलाएंगे ठीक है इस वाली सरफेस पे इनको ये फॉल करवाता है और इस रेटिना के ऊपर हमें बेसिकली फोकस इमेज मिलती है ठीक है और और अगर हमें इसके ऊपर फोकस इमेज मिले तो हमें चीज़ें सही नज़र आती हैं और अगर हमें फोकस इमेज नज़र ना मिले तो हमें सही से नज़र नहीं आता ठीक है यानी इसके ऊपर इमेज बनता है बेसिकली अब ये इमेज जो यहाँ पे बनता है क्योंकि इसके अंदर रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये सेल्स जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और रेटिना पे हमारे पास बेसिकली कुछ नर्व्स होती हैं कौन सी नर्व्स जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स हैं ठीक है और इसमें ब्रेन हेल्प करता है ठीक है तो कौन हमारी हेल्प करता है बेसिकली ऑप्टिक नर्व जो हमें हेल्प करता है कि बाहर की दुनिया कैसी नज़र आ रही है लेंस और ऑप्टिक नर्व के बीच में जो जगह या स्पेस है उसको आप विट्रस ह्यूमर बोलते हैं ये जो ग्रे ग्रे कर दिया है दिस इज़ विट्रस ह्यूमर ठीक है ये ट्रांसपेरेंट होता है इस वजह से उसको आप ग्लासी बोल सकते हैं ठीक है और ये हमारे आई बॉल को बेसिकली स्पोर्ट ठीक है तो लाइट रेज यहाँ से पास होती हैं और इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे आई बॉल को सपोर्ट करता है मैं वंस अगेन बता रही हूँ विट्रस ह्यूमर अगर हमारी आई में ना होता तो हमारी जो आई है ना जो इसका स्ट्रक्चर जो मतलब राउंड सा है वो ना रहता वो ये अपने साथ फ्लैट हो जाती ठीक है कॉर्निया इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और ये जो जली लाइक मटेरियल है वो हमारे आई आई को आई बॉल को बेसिकली सपोर्ट कर रहा है ठीक है उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फाइबर लाइक मटेरियल्स होते हैं जिन्होंने हमारे आई हमारे लेंस को मतलब पकड़ के रखा हुआ है इनको हम सिलरी मसल्स बोलते हैं मसल्स का आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करते हैं तो बेसिकली हमारे ये जो सिलरी मसल्स हैं ये हमारे लेंस को कंट्रोल करते हैं क्योंकि आपका लेंस जो है वो जेली लैक मटेरियल से बना हुआ है तो इसको सिलरी मसल्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ है दोनों तरफ से ऊपर से भी और नीचे से भी जैसे वो उसको मतलब खींचते हैं तो ये लॉन्गेट हो जाता है और जब इसको थोड़ा सा वो धकेलेंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे राउंड हो जाता है और ऐसा क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का यहाँ पे मसल का क्या फंक्शन होता है बेसिकली लेंथ लेंस की मसल पावर uh, को वो चेंज करता है ताकि आपको दूर या करीब की चीज़ को देख सकते हैं जैसे हम माइक्रोस्कोप में करते हैं फोकस बढ़ा देते हैं कम करते हैं वही वाला काम यहाँ पर हमारे सिलरी मसल्स हमारी हेल्प करते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दूर की चीज़ को देख रहे हैं थोड़ी सी दूर है तो जो आपकी जो रेज़ उससे आ रही हैं तो वो पैरेलल रेज आएंगी जो दूर की इमेज से या ऑब्जेक्ट से जो रेज़ आ रही हैं वो आपके लेंस के ऊपर पैरेलल रेज पड़ेंगी और वो पीछे रेटिना पे जाएंगी ठीक है और आपका इमेज बन जाएगा अब ऐसा क्यों है कि लेंस ने ये देखें बाहर से पैरेलल रेज आई हैं और इसने इस पॉइंट पे जाके रेटिना पे ये वाले पॉइंट पे जाके फोकस किया है और आपको उसने क्या किया है एक एक विजन दिया है आपको उसने एक चीज़ देखने दी है ठीक है तो जो इस वक्त हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस थी वो कम थी अगर एक ऑब्जेक्ट आपके करीब आ गई है यहाँ पर इस जगह आ गई है ठीक है इस वक्त डाइवर्जेंट रेज आएंगी यानी कौन सी रेज जो पास की ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं और आपको आप अब ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे अगर यहाँ से आप इजीली देख रहे हैं तो दैट मींस कि इसकी इमेज भी इधर ही पड़ रही है इसका इसका जो ए, इमेज है वो भी कहाँ पर है इसी पॉइंट पे है जहाँ पे हम बाहर वाला इमेज दूर वाला इमेज देख रहे थे ठीक है अब ये ज़रा डायग्राम दोबारा देखिएगा अमाउंट ऑफ बेंडिंग रेज में डिफरेंस होगा थोड़ा सा बस ठीक है जब ऑब्जेक्ट थोड़ा करीब आ गया तो रेज डाइवर्जेंट फैलने वाली थी ठीक है लेकिन अब बेस अब एक्चुअली में हो क्या रहा था कि ये रेज इधर जानी थी ऐसे मगर हमारे लेंस ने उसको काबू करके ये देखें इस इस जगह पे उसको जो है वो कंप्लीट किया पास में लाया ताकि आप जो है उसको आराम से देख सको ठीक है ऑब्जेक्ट जब दूर होता है तो आपको लो पावर चाहिए जब ऑब्जेक्ट करीब होता है तो आपको हाई पावर चाहिए क्योंकि आपने बेंड करना है आपने जो रेज जो डाइवर्जेंट रेज हैं उनको हमने कंप्लीट काबू करके अंदर करके ले आना हम उसका करवेचर कम ये जो कर्वेचर है इसको कंट्रोल कर रहा है कौन आपके जो सिलरी मसल्स हैं लेंस को बड़ा कर देते हैं छोटा कर देते हैं ठीक है ठीके? अब हमारे जो मसल्स हैं जब हमें कम बेंडिंग वाली रेज़ मिल रही होती हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उस वक़्त क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं जैसी रेज़ आ रही होती हैं पास की चीज़ अगर आपने देखनी है तो आपको उस वक़्त हाई पावर का लेंस चाहिए तो उस वक्त क्योंकि रेज़ कौन सी है डाइवर्जेंट है उनको आपने बेंड करना है वरना तो ये लेंस से बाहर चली जाती है लेकिन इस वक्त लेंस जो है वो क्या हो रहा है कंप्लीट इसको काबू कर रहा है जो का, जो रेज इधर उधर फैल फैल रही थी उनको ये अपने कंट्रोल में लाकर वापस उस उधर रेटिना पे डाल रहा है सिलरी मसल बेसिकली पावर 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 वाला एक पावर ऑफ एकोमडेशन भी कह सकते हैं पावर ऑफ एकोमडेशन क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे लेंस को कंट्रोल करता है ठीक है और हेल्प करता है हमें कि हमने किस तरह से आ, हम जो है आई के स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमारे लिए यूज़फुल है ठीक है